चिट्ठी आई है चांदी जैसा रंग है तेरा, जैसे एवरग्रीन मशहूर गानों से गजलों से लोगों के दिल को जीतने वाले प्लेबैक गजल गायक पंकज उदास का 72 साल की उम्र में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। गायक के फैंस के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है। बीते दिन जब से गजल गायक के निधन की खबर सामने आई है तब से उनके फैंस की आंखें नम हैं। वहीं पंकज उदास के निधन की खबर उनकी बेटी नायाब उदास ने दी। नायाब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नोट शेयर किया जिसमें लिखा था, भारी दिल और बड़े दुख के साथ हमें आपको ये जानकारी देनी पड़ रही है कि पद्मश्री पंकज उदास जी का 26 फरवरी 2024 को लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है। गायक तो इस दुनिया को अलविदा कह गए लेकिन पीछे अपना रोता बिलखता परिवार छोड़ गए। जिन्हें नहीं पता वो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पंकज उदास की एक पत्नी और दो बेटियां हैं। वहीं ये जानकारी भी दे दें कि आज दोपहर पंकज उदास की अंतिम रस्में की जाएंगी। उनकी बड़ी बेटी ने ये फैसला किया है कि वो अपने पिता की अंतिम रस्में खुद करेंगी। गायक की अंतिम रस्में करेंगी उनकी बड़ी बेटी नायाब उदास। बताते चलें कि पंकज गुजरात के जीतपुर से थे। पंकज के पिता एक किसान हुआ करते थे। गायक ने परिवार से लड़कर मुस्लिम लड़की फरीदा संग सात फेरे लिए थे। बात अगर पंकज की दोनों बेटियों की करें तो उनकी बड़ी बेटी नायाब इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन ओजस अधिया संग सात फेरे ले चुकी है, तो वहीं छोटी बेटी रीवा लाइमलाइट से बहुत दूर रहती है और वो भी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। अब इस रिपोर्ट के अंत में हम इतना ही कहेंगे कि भले ही गजल गायक पंकज उदास की रूह ने शरीर छोड़ा हो लेकिन उनकी कला लोगों के दिलों में हमेशा बसती रहेगी। उनकी कला इस दुनिया में हमेशा अमर रहेगी। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।